फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था वीडियो लेके आऊँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पूरी लिप्टर जो है कवर करने वाला है। तो आप कंपोनेंट देख पा रहे हो, उसमें लिप्टर हम कैसे एनालाइज करेंगे, लिप्टर के डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, एंगल कैसे मिलेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, तो सारा चीजें जो मैं आपको कैलकुलेशन से समझाने वाला हूँ और बना के भी दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली जो है ये मैं मोल्ड बनाने जा रहा हूँ। इसकी जो मोल्ड है, 2 KVD का मोल्ड बनने वाला है और आप देख पा रहे हो 18 लिप्टर लगने वाला है। तो हर एक लिप्टर को कैसे एनालाइज करना है, इसकी हम डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, स्ट्रोक कैसे डिसाइड करेंगे, पूरा जो है इसमें कैलकुलेशन से बताऊंगा कैसे करना है, क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है। तो सारा चीजें जो है यहाँ आपको फॉर्मूला से मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, इसकी हम लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, अगर हम इनसाइड मोल्डिंग बना रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, अगर हम इंटेजर टाइप का बना रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, तो दोनों जो है मोल्ड हम कैसे बनाना है इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इसमें कुछ चीजें मिस कर दोगे तो बहुत कुछ चीजें आपका रह जाएगा, क्योंकि जो इस तरीके से लिप्टर बनाओगे, इन फ्यूचर आप कभी भी लिप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है। और क्या क्या लिप्टर में देखना है, इस तरीके से जो बाहर वाले लिप्टर होते हैं, इस केस में बाटिंग कैसे देना है। ठीक है, लिप्टर कभी कभी चलते चलते नीचे बैठ जाती है, कभी कभी जो है ऊपर आ जाती है ना, हल्का सा 0.2 0.3, वो कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम की वजह से होता है, इसको कैसे एलिमिनेट करोगे। ठीक है, जैसे मेरा ये बाहर का लिप्टर है, इसका बाटिंग में कैसे दे रहा हूँ, अगर मेरा ये अंदर का लिप्टर होगा तो इस केस में बाटिंग कैसे दूंगा, क्या मेंटेनेंस क्या फ्री करना पड़ेगा, किस तरीके से मेंटेनेंस होता है, तो सारा चीजें जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो जो है 1 सेकंड के लिए भी मिस मत कर देना, पूरा वीडियो देखना, सीखने को बहुत मिलेंगे। अगर वीडियो रेस्पॉन्स सही मिलेंगे तो ये कंप्लीट केस बना के दिखाऊंगा आपको। और जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, मेरा नंबर मेंशन है, वहां पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है 2 स्टूडेंट के लिए 25% का ऑफर चल रहा है, वो जाके कॉन्टेक्ट कर ले, फास्ट काम फास्ट बेसिस है। और जिस तरीके से भी ट्रेनिंग होती है, जैसे मेरा प्रोडक्ट डिजाइन का ट्रेनिंग अलग होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग अलग होता है, मोल्ड डिजाइन का अलग होता है, डाई डिजाइन का अलग होता है, सीएनसी प्रोग्रामिंग का अलग होता है, हर तरीके से कंटेंट अवेलेबल है। और जो आपका क्लासेस मिलेंगे वो आपको प्रैक्टिकल बेसिस होंगे, जो मैं ये आपको पार्ट दिखा रहा हूँ वो भी आपका प्रैक्टिकल है। फिएट पुंटो कार्ड नाम सुने आपने, उस कार्ड का रेयर पार्ट है। तो आपका जो करा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। और अगर रेस्पॉन्स सही मिलेंगे तो वीडियो जो है मैं पूरा डाल दूंगा सही तरीके से, क्योंकि इस तरीके से मैं कॉन्टेंट कराते रहता हूँ। मेरा जो क्लासेस होती है पूरा प्रैक्टिकली आपको क्लासेस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जुड़ते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका ये देखना है पार्ट जो है, जो हम लिप्टर निकाल रहे हैं, हम कौन सा वाला लिप्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो लिप्टर निकाल रहा हूँ ये वाला लिप्टर निकालूंगा। ठीक है, तो सबके जो लॉक है सेम ही है, तो अपने को एक की कोई भी लिप्टर का जो है मैं एनालाइज करूंगा। तो पहले जो है लिप्टर की एनालाइज करना है, लिप्टर में क्या क्या है, उसके बाद जो है हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में कैसे करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करने से पहले लिप्टर की डिटेल देखना है। लिप्टर का डिटेल देखने में क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है एनालिसिस में। एनालिसिस के जाने के बाद तो यहाँ पे मैं फैक्टर ले रहा हूँ, क्योंकि ये हॉरिजेंटली है। ठीक है, क्योंकि लिप्टर का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो आपको डायरेक्शन देखना है कि इस डायरेक्शन में निकल रही है। उसके बाद जो है हम लिप्टर जो है किस पॉइंट से, ये जो टोटल जो अंडरकट है कितना है, तो यहाँ पे अंडरकट जो देख पा रहे हो 3.7 अराउंड है। तो 3.7 है जो है इसकी अंडरकट है, अंडरकट इन दर्शन, ये मेरे को निकालना है 3.7 mm जो है मुझे यहाँ से निकालना है। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे हो आप 3.7 mm है। और यहाँ पे एक मैंने प्लान ले लिया, ये जो मेरा प्लान है ये बेसिकली वो प्लान है जहाँ पे ये जो कोर है वो खत्म होगा। ठीक है, तो कोर का जो यहाँ पे खत्म होगा तो मेरा वो वाला प्लान है, क्योंकि जहाँ पे लिप्टर चलता है तो कोर की लेंथ बढ़ जाता है। लिप्टर में कोर का लेंथ इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब लिप्टर चलते हो ना, अगर मान लो लिप्टर में आप 25 mm 30 mm का स्ट्रोक दे रहे हो, तो अराउंड जो है 60 mm जो है वो अंदर रहना चाहिए। मतलब तभी भी लिप्टर चलाते हो, लिप्टर आपकी कोर से बाहर ना चला जाए, एटलीस्ट 50% कवर रहे। अगर 50% कवर नहीं रहेगा ना, वो लिप्टर बाहर हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिप्टर हमेशा क्या है 50% जो है कवर रहे, 50% ही चलाओ आप। जो कोर की हाइट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैं समझा दूंगा आपको, आई होप आपको समझ में आ गया। अब मेरा क्या है, यहाँ पे 3.7 mm है, तो मेरा अंडरकट कितना है 3.7 mm। तो सबसे पहले इसकी जो है हम पार्टिंग देखेंगे, जो पार्ट को एनालाइज करते हो, कोई भी लिप्टर की पार्ट मिलती है तो DFM बनाने से पहले आपको ये सारा चीजें आपको करके देखना होता है। तो मेरा यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, जरा पार्टिंग लाइन मेरा यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा वो कैविटी में आएगा जो ब्लू वाला है, कोर में आएगा, और यहाँ पे कोई ड्राफ्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिप्टर चलने वाला है। तो मेरे को यहाँ तक मिल गया है, तो मैं सिंपली एक काम करूंगा, यहाँ से जाके ये जो पार्टिंग है इस पार्टिंग को मैं इधर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, क्योंकि पार्टिंग तो मेरा ऐसे ही बनने वाला है। तो इसको मैं 100 mm ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफली इसकी एक पार्टिंग ले लिया। इसको मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे लिप्टर का बाटिंग देना पड़ेगा। अगर मुझे लिप्टर का बाटिंग नहीं दूंगा तो लिप्टर एक टाइम बाद जो है लिप्टर में फ्लैश वगैरह जनरेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें लिप्टर को बाटिंग के लिए मैंने पार्टिंग को निकाल लिया। जब भी मैं इसकी इधर कराऊंगा, एनालिसिस करूंगा, लिप्टर कैसे बनेगा, स्ट्रोक कितना बननी है, एक मोल बनने से पहले मैं ये सब चीजें देखना पड़ता है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक जो है बाउंड्री ब्लॉक ले लूंगा।
है। अब मेरा जो है लिप्टर का एंगल कितना निकालना है, उससे पहले हम जो इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे फेस ले लेना, फेस लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हल्का सा इसको मैं आगे की तरफ खींच लाऊंगा, अभी के लिए आप ये समझ लो। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे रिप्लेस फेस करूंगा। रिप्लेस फेस इसको कितना करना है, यहाँ से जो है इसको इस प्लान तक, मतलब जहां पे कोर खत्म होगा वहां तक, अगर इंसर्ट भी रहेगा तो इंसर्ट तक करना है आपको, ठीक है। तो इंसर्ट रहेगा, इंसर्ट तक करना है, क्योंकि इंसर्ट के नीचे जो हाउसिंग होती है वहां पे हम क्या लगाते हैं, एक अलग सा प्रेशर प्लेट लगाते हैं। जो प्लेट क्या रहेगा वो हार्ड प्लेट लगाते हैं। तो लिप्टर का मेटेरियल, क्योंकि जो आपके हाउसिंग होती है, हाउसिंग का मेटेरियल होता है MS का या C45 का आप लगाते हो, पर जो इंसर्ट होता है, इंसर्ट का मेटेरियल आप अच्छा हैवी वाला यूज करते हो, जहाँ पे हार्डनिंग होता है ना, जो प्री हार्डन होकर आती है उसके हम यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे एक जो है प्लेट लगाएंगे, हार्ड प्लेट। तो हार्ड प्लेट के लिए यह जो आप समझ लो ये कोर का एंडिंग पॉइंट है या इंसर्ट का एंडिंग पॉइंट है। अगर आप इंसर्ट से बनाते हो तो इंसर्ट का एंडिंग पॉइंट ये है, अगर आप कंप्लीट एक ही ब्लॉक से बनाते हो तो वो ब्लॉक का एंडिंग पॉइंट ये है। लेकिन एक ही ब्लॉक में लगाओगे तो नीचे आपको जो अलग से प्लेट करके माउंट करना पड़ेगा। तो यहां तक आपने समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, आपके पास दो रास्ता है, या मैं लिप्टर को ऐसे कर सकता हूँ, इस फेस की इक्वल कर सकता हूँ, या मैं इस फेस के इक्वल करके इस वाले अंतर्गत को यहां तक ले आ सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एक ही मार्क करूंगा, मैं नहीं चाहता कि इस लिप्टर में जो है कहीं भी मार्क आए, इस तरीके से जो मार्क आए। मैं क्या करूंगा, एक ही मार्क आएगा लिप्टर में, इसीलिए जो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने जो मेरे लिप्टर है मैंने रिप्लेस कर दिया, और जो ऊपर का फेस है इस फेस को रिप्लेस करके मैं केवीजे तक ले आया इसको, ठीक है। यहाँ तक कोई चीजें डाउट नहीं है आपको। अभी आपको करना क्या है, जो आपने लिप्टर बनाया, लिप्टर की अराउंड लेंथ देखना है, जो लिप्टर है इसकी लेंथ कितना है। तो जो मेन लेंथ है उसके ऊपर क्या होगा, आपका पिन चलेंगे, ठीक है। हम इसको ज्वाइन लिप्टर में बनाएंगे, तो 8 mm जो है बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेटली हम जो है इसको 12 mm लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो और कम है, ठीक है। लिप्टर में आपको स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो मेंटेनेंस कम होंगे आपके। तो यहाँ पे जो है 7 mm है, तो इसको हम जो है कितना रखना है, 15 mm के आसपास करेंगे। तो इसको मैं जो है 7 mm, कभी एक अप्रोक्सीमेटली आपको नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी आपको अप्रोक्सीमेट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस जो एरिया है वो आपका राउंड नहीं होगा, ये आपका इसकी थ्रू निकलेगा, ये इसकी थ्रू निकलेगा, और बेसिकली ये जो है वो आपका वायर कट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे आप एक बार देख लो। तो यहाँ तक मैंने इसको देख लिया कि यहाँ तक मेरा ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया, लेकिन मुझे ये जो पार्ट है ना अभी इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये है टारगेट बॉडी जो है मेरा ये है, ठीक है। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देख पाओगे ये जो है कुछ हद तक ऐसे रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा एक हद तक। लेकिन यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेटल आपका सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो लिप्टर है आपका, जो सब्ट्रैक्ट किया है लिप्टर का, कुछ पोर्शन जो है, कुछ पोर्शन जो है आपका वहां तक है। इस केस में आपको थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, आप ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिब से, ये जो अलग से आप आ रहे हैं ना, एक अलग तरीके से रिब से। तो इस केस में हम थोड़ा सा अलग तरीके से काम करेंगे। अलग तरीके से कैसे काम करेंगे थोड़ा आप देख लो, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, इसको मिस मत करना, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ ये प्रैक्टिकली करा रहा हूँ एकदम। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम करेंगे स्प्लिट, ठीक है। शिफ्ट आई करके इसको मैं हाइड कर दिया, इसको भी हाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे ब्रिज कर्व लूंगा, दो ब्रिज कर्व लगाने के बाद क्या काम करना है, ब्रिज कर्व से, ब्रिज कर्व लगाने के बाद वो वाला एरिया को मैं काट सकता हूँ, ठीक है। यहां से भी मैं इसको ब्रिज कर्व लूंगा अगेन, ठीक है। तो इसको मैं ब्रिज कर्व लेके ज्वाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरा जो ब्रिज कर्व है सिलेक्शन उल्टा हो गया। तो ये इसका डायरेक्शन मैं रिवर्स कर दूंगा, और तो है इस तरीके से मैं इसको ब्रिज कर्व कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो मैं यहाँ जाके थ्रू कर्व मैश लगाऊंगा, एक दो, उसके बाद जो मेरा क्रॉस कर्व है, देखो यहाँ पे दो कर्व सिलेक्ट कर ले, ये गलती कर दिया मैंने, एंटर करके इसको सिलेक्ट कर, फिर यहाँ पे जाके ये करके ऐड करके, मैं वैसे माउस से भी कर सकता हूँ लेकिन आपको समझ में आए तो इसीलिए जो है मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया है, अब इसको जो है हम सेव कर देंगे, तीनों कर्व को मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हल्का हल्का सा हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको, ये जो है इसको सिलेक्ट को हटा देते हैं, ठीक है। यहां से जो है कुछ सरफेस में जो है आपका प्रॉब्लम है,
इसको हम कर देंगे सिंपली इधर से एक्सटेंड एक्सटेंड एक्सटेंड। यहाँ पे कुछ सरफेस रह गया है, अगेन ये सरफेस और यहाँ पे ये सरफेस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके कर देते हैं। अब ये जो सरफेस है ऑलरेडी एक्सटेंड है सिमिलर सरफेस में, इसको जो है मैं एक्सटेंड कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने से पहले इसको आपको ट्रिम करना पड़ेगा इस वाले सरफेस को, यहाँ पे ये टच हो रहा है। इसको करने से पहले पॉइंट इन कार्प करके जिस एरिया में काटना है उस एरिया को सिलेक्ट करके मैं ट्रिम कर दूंगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे स्प्लिट बॉडी लेके, देखो ये सारा चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीजें करोगे ना आप, क्योंकि जो लिप्टर डिजाइन होता है बहुत कुछ चीजें देखने के बाद होता है, तो ये तरीके से लिप्टर निकालोगे कभी भी आप प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा इसके साथ, ठीक है। अब जो लिप्टर के साथ ब्लॉक है इस ब्लॉक को ले आता हूँ मैं। अब देखोगे ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे एरिया नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस लिप्टर को पार साइड 5 mm से लेके 6 mm जो है आपको स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 6 mm की स्ट्रेंथ दे रहा हूँ पार साइड, 6 mm भी बहुत कम है लेकिन ठीक है चल जाएगा आपका, 6 mm इधर दे रहा हूँ। और इस एरिया में जो है इसको मुझे लैंड देना पड़ेगा। लैंड मैं कैसे दूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके, देखो हमेशा राउंड वैल्यू होना चाहिए, यह ध्यान रखना राउंड वैल्यू होना चाहिए। इसको मैं जो है 20 mm कर दूंगा, नहीं 30 mm, अप्रोक्सीमेटली 30 mm का आ रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा 38 mm का कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो लिप्टर है 38 mm का बन रहा है, क्लियर है। अब जो ये आपका जो ब्लॉक है, अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ यहाँ से जाके, तो जाके मैं सिंपली पहले इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट मैं कर दिया। अब मेरा लिप्टर वाला जो ऊपर का ब्लॉक है आप देख सकते हो इस तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो पार्टिंग है आपको ये देखना है, कहा गया लिप्टर मेरा गायब होगा, मैं सिलेक्ट कर, अब मैं इसके बाद जो है इस पार्ट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस पार्ट को मैं यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब देखोगे यहाँ पे ये बात जो है इस तरीके से बन के आएगा, और जो मेरा ये एक कर्व है ना इसको मैं एक लेयर पे डाल देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब इसको देखते हैं इसके साथ जो ये मार्क आ रहा है आपका, ये मार्क किस मार्क किसका है मार्क, ठीक है, ये मार्क जो है आपका पार्टिंग का ही है, तो पार्टिंग से इसको काटना पड़ेगा। ये जो पार्टिंग है इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, अब आपका मार्क नहीं आएगा, अब देखो क्लीन सरफेस आएंगे, ठीक है, क्लीन है क्लीन है। अब इसके बाद अगेन इसके सब्ट्रैक्ट कर दो, इसके साथ इसको अगर कुछ एरिया रह गया है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा आपका, ठीक है, और कॉम्प्लीटली आउटसाइड द बॉडी, मतलब ऑलरेडी ये ट्रिम हो रखा है। तो मेरा लिप्टर का ब्लॉक जो है यहाँ तक निकल के आ गया, अब मैंने लिप्टर का ब्लॉक जो है पूरा निकल के आ गया, मेरे को कितना एमएम है। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैं कितना एमएम में जो है मैं इसको अंदर काट को रिलीज करूंगा। अब आते हैं कैलकुलेशन में, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, समझ में आने से पहले लिप्टर को गाइड करना पड़ेगा। अभी लिप्टर जो है गाइडेड नहीं है, अब लिप्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। अब लिप्टर को हम कैसे गाइड करेंगे, लिप्टर को गाइड करने से पहले आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, मैं इसको भी ले आता हूँ। अब तरीका ये है जो मैं लिप्टर गाइड करूंगा, मैं किस डायरेक्शन में गाइड करूंगा मैं लिप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले गाइड करने से पहले आपको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, जैसे मेरा यहाँ पे लिप्टर है बहुत ही पतला है, पतला इन द सेंस कितना है, पतला वाला एरिया में ले लेता हूँ मैं। ये करना जरूरी है, अगर ये चीजें नहीं करोगे तो कहीं कहीं आप जो है सही तरीके से लिप्टर नहीं कर पाओगे। 14 mm का है, ठीक है, तो यहाँ पे 14 mm जो है नीचे से है, 14 mm से मैं पिन लगा सकता हूँ आराम से, 8 mm का मैं पिन लगा दूंगा, लेकिन 14 mm का जगह मैं इसको हल्का सा ऑफसेट दे दूंगा, इसको मैं 18 mm कर दूंगा, 4 mm जो है मैं इसको बढ़ा दिया हूँ, ठीक है। 18 mm का जो है मैं थिकनेस रख रहा हूँ लिप्टर का, लेकिन ऊपर जो है थिकनेस वो सेम रहे नहीं रहेगा, ऊपर का थिकनेस अलग रहेगा आपका। तो यहाँ पे जो है हम एक स्केच ले रहा हूँ मैं, स्केच के साथ जो जिस एरिया में लिप्टर का लेंथ ज्यादा है इस एरिया में एक जो है मैं इंसर्ट बना दे रहा हूँ, इसका लेंथ अराउंड में दे रहा हूँ 12 mm का, और जो इसकी जो दे रहा हूँ वो 10 mm का। ये क्या करेगा, लिप्टर को गाइड करेगा। अब लिप्टर को गाइड करना क्यों जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये जो मैं चीज बना रहा हूँ ना ये बहुत जरूरी है। अब ये क्या काम करेगा अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको बना लेते हैं फिर इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो लिप्टर बना है ना ये सही तरीके से आपको बनाना पड़ेगा एकदम, ठीक है, ये मेरा क्या गाइड करेगा। अब जो लिप्टर के एंगल है 10 डिग्री दूंगा 12 डिग्री दूंगा मैक्सिमम 15 डिग्री होता है, वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, सबसे पहले आपको देखना है स्ट्रोक कितना है आपका और अंदर कट कितना है। एंगल तो आपके पास एंगल आपको देना है ना, तो मेरा जो अंडर कट आ रहा है ना 3.7 mm आ रहा है, 3.7 mm जिसमें 1 से लेके 2 mm जो है आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है, ठीक है।
तो मैं आता हूँ कैलकुलेशन में अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको भी क्लासेस वगैरह लेना है तो यहाँ पे मेरा नंबर मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से मैं एडवांस लेवल में कंटेंट कराते रहता हूँ, प्रैक्टिकल मोड पे कराता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो लास्ट मैंने वीडियो डाला था, ये जो आपका फिएट कार है ना पुंटो, उसकी पार्ट है, उसके ऊपर जो है मैं काम आपको सिखा रहा हूँ। जो लिप्टर होती है ये आपका जो कैलकुलेशन होती है इसकी, आप ये वाला चीजें याद रख लो। देखो ये होता है एक एंगल, बेसिकली अपने को ये जो एंगल है इसको निकालना है। ये एक्स हो गया मेरा, वाई हो गया या जेड हो गया, ठीक है। एक्स क्या है मेरा, एक्स मेरा अंडर कट से, एक्स मेरा कितना है 3.7 अराउंड है। तो इसको जो हम 1 mm जो है हम सेफ्टी रखेंगे, 1 mm सेफ्टी रखने के बाद ये जो बनता है 4.7, पर हम क्या लेंगे इसको 5 लेंगे, अराउंड 5 mm हम लेंगे। तो एक्स मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। टेन क्या हो गया, टेन मेरा थीटा हो गया, एंगल हो गया, हम ए को थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स अपन वाई, वाई क्या हो गया मेरा यहाँ पे, वाई मेरा हो गया स्ट्रोक, कितना एमएम स्ट्रोक में दूंगा मैं, यहाँ पे जो है 30 mm का स्ट्रोक चला रहा हूँ। 30 mm स्ट्रोक कैसे करा मैंने, मैंने इसको पहले कैलकुलेट करके देख लिया 30 mm का स्ट्रोक, 40 mm में मेरा ज्यादा गैप रखें, अब देखेंगे हम कैसे करेंगे। बेसिकली ये जो फॉर्मूला से बन के आता है, तो ये आपको फाइनल ये वाला फॉर्मूला मिलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना है कभी भी इंटरव्यू में या कभी भी आप काम करते हो ना, तो इसको साथ में रख के, इसको स्क्रीनशॉट को साथ में रख के आप बना रहना। मेरे तरफ से गारंटी है कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे इसके साथ आपको, ये मेरे तरफ से गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ के बाद जो है हमने क्या कर दिया, मेरा एक्स जो है 5 mm मैंने कैसे मिल गया मैंने बता दिया, जो मेरा यहाँ पे था 3.7 है, मैं अगेन आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से जो मेरा यहाँ तक है 3.7 है, तो ये वैल्यू है, ये जो मेरा वैल्यूज है यहाँ से देखो फिर से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे 3.7 है। तो मेरा एक्स कहाँ से मिल गया, 3.7 प्लस 1 mm सेफ्टी, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, तो इसको मैं राउंड वैल्यू 5 मान लेता हूँ। अब मैं 30 mm जो है मैं स्ट्रोक चला रहा हूँ, स्ट्रोक मतलब इजेक्टर असेंबली चलाऊंगा, 30 mm का इजेक्शन दूंगा मैं, ठीक है। तो 30 mm जो इजेक्शन बहुत है, तो 30 mm का मुझे इजेक्शन दे रहा हूँ। अब 30 mm इजेक्शन में आपका लिप्टर जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैंने पहले पहले आपको बताया कि आप जो है 50 mm चला रही है, इसकी लेंथ जो है 70 mm का है, तो ये 20 mm रह जाएगा, ये गलत है। तो आपको फिर कोर में मेटल बनाना पड़ेगा, मतलब इसकी जो लेंथ है एटलीस्ट 50 mm अंदर रहे, तो मैं यहाँ पे 30 mm ले रहा हूँ इजेक्शन में, क्लियर है। तो 30 mm जो इजेक्शन है, तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा, 10 inverse 1, 5 मतलब मेरा जो होगा स्ट्रोक, 5 हो गया मेरा अंडरकट, तो मेरा वाई है, वाई मेरा क्या हो गया 30 मतलब मेरा स्ट्रोक हो गए। तो 10 inverse 1, इसको अगर माइनस करोगे कैलकुलेटर पे आपको पता लग जाएगा इतना वैल्यू आ जाएंगे। तो 10 inverse 1 ब्रैकेट 0.166, ये वैल्यू जो आएंगे कैलकुलेटर में करके देख लेना आप, तो आपको ये वैल्यू मिलेंगे। तो अराउंड क्या आ रहा है, 9.42 डिग्री का आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 डिग्री का चलाऊंगा मैं अंदर कट दूंगा ना, मैं 10 डिग्री का चलाऊंगा मैं, तो 9.42 का अप्रोक्सीमेट मैं 10 डिग्री लूंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये जिंदगी भर काम आएगा, जब भी लिप्टर बनाओगे यही फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से मैं करता हूँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरे तरफ से गारंटी है, ठीक है। जिसको भी क्लासेस वगैरह चाहिए, डिटेल क्लासेस वगैरह चाहिए, जो प्रैक्टिकल क्लासेस सीखना है, तो कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है यहाँ पे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो पहले का 2 ज्वाइनिंग होता है, उसमें से 25% ऑफ है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं इसमें, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एंगल देना है, तो एंगल मेरा कितना है 10 डिग्री का देना है, ठीक है। तो 10 डिग्री का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्राफ्ट में जाऊंगा, ड्राफ्ट के जाने के बाद यहाँ पे जो है मैं 10 डिग्री ऐड कर देता हूँ, रिवर्स डायरेक्शन। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है मैं 10 डिग्री का डिग्री दे दिया है। उसके बाद जो ये तो सीधा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी गाइड करने के लिए दे रखा हूं मैं इसको, यह भी 10 डिग्री का एंगल में आ जाएगा। तो आप देख पाओगे ये जो लिप्टर बन के आएगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा, और यहाँ पे जो हम इसकी 10 mm है ना, आप देखोगे ये जो पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस है ना, इसको मैं गाइड को थोड़ा बड़ा दूंगा, क्योंकि 10 mm है, तो इसको जो है मैं अराउंड, मुझे ज्यादा गाइड करना है क्योंकि लिप्टर मेरा लंबा चलने वाला है ना, 30 mm चलेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ 15 mm अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 15 mm अप्रोक्सीमेटली इसको मैं गाइड कर रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ तक कोई डाउट है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है यूनिट कर दे रहा हूँ। अब मेरा इस लिप्टर का बटिंग एरिया ये हो गया, अब जैसे ऊपर से कोर के भीतर बटिंग होगा ना, मैचिंग होगा, तो ये जो एरिया है ये कहाँ रहेगा, पार्ट से बाहर है, तो ये क्या करेगा, केविटी जो एरिया है इसको हीट करेगा, तो ये लिप्टर जो है ऊपर नहीं रहेगा, मतलब कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह फंस जाता है, तो वजह से ना लिप्टर 0.2-0.1 ऊपर रहता है, तो इसकी वजह से पार्ट में आती है फ्लैश और प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होती। तो यहां से मैं इसको लॉक कर दिया, तो मेरा जो है कौन सी वाले एरिया लॉक हो गया, जेड लॉक हो गया, मेरा जेड लॉक हो गया। और नीचे से मेरा जो है यहाँ पे हार्ट प्लेट लगाऊंगा, हार्ट प्लेट क्या होता है मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा आपको,
तो हार्ड प्लेट लगाऊंगा तो मेरा जेड लॉक हो गया। अब मेरा जेड में कभी फ्लैश नहीं आएंगे, एक्स भी लॉक। अभी एक्स देखो, एक्स तो मेरा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वाई तो मेरे को रखना ही है, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, प्रॉपर मेरा फिटमेंट रहेगा। इस तरीके से आपको बैटिंग देखना है, लिप्तर में कैसे बैटिंग करना है। अब हम इसको सलाह के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, आपको 30 mm के लिए बोला था, मैं 10 डिग्री में चलाया था, ठीक है। तो मैं ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे जाके इसको चलाना है 30 mm, क्लियर। अब जो है ये वाला जो आपका पार्टिंग सरफेस है इसको मैं गायब कर देता हूँ, बेहतर समझ में आ जाएगा। कंट्रोल टी, फिर अगेन ये जो डायरेक्शन है वेक्टर लूंगा इस डायरेक्शन में, इसको चला दूंगा 30 mm, ठीक है। 30 mm जो है मैं चला दिया। 30 mm चलाने की बात आप यहाँ पे देखोगे, मेरा लिप्टर जो है आराम से इजेक्ट हो गया है। देखो यहाँ पे मेरा लिप्टर आराम से इजेक्ट हो गया, समझ में आ गया। तो ये तरीका है, इस तरीके से आपको लिप्टर की कैलकुलेशन करना है। इस तरीके से आप लिप्टर का कैलकुलेशन करोगे ना, कभी जिंदगी में लिप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जो लिप्टर बनाया मैंने, बैटनिंग इस तरीके से दिया हूं मैं, लेकिन ये वाला जो लिप्टर होगा इसका बैटनिंग कैसे होगा, आप सोचो। जो पार्ट के अंदर में लिप्टर होता है उसकी बैटिंग तरीका अलग होता है, वो लिप्टर आप कैसे बैटिंग दोगे, क्या तरीका हो सकता है मेरे पास, मैं किस तरीके से बनाऊंगा, वो तरीका आप कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। अभी तो आपने एक एक लिप्टर दिखा, ज्वाइन लिप्टर बनाना पड़ेगा आपको, डबल लिप्टर बनाना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल पार्ट में दो दो ज्वाइन ज्वाइन लिप्टर बनती है, वो कैसे बनाओगे, उसका क्या मेथड्स होती है, ठीक है। वो सारा तरीका आपको समझने पड़ेगा, इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। आजकल कोई भी कोर केविटी बनाने से मोल्ड डिजाइन नहीं होता, यूट्यूब में ऐसे 10 लोग मिल जाएंगे जो कोर केविटी बना के ट्रेनिंग देने लग गए, नहीं आते उनको, ठीक है। तो चीजें को समझना पड़ेगा, किस तरीके से बनाऊंगा तो कंपनी में आपको प्रॉफिट होंगे, कभी मेंटेनेंस फ्री होंगे, ठीक है। ये तरीका समझने पड़ेगा। अभी ये जो आपने लिप्टर बनाया है ना, ये जो लिप्टर आप मैंने बनाया, इसमें मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, मशीनिंग के हिसाब से वायरकैड फाइल बनाना पड़ेगा। इसकी वायरकैड कैसे बनाते हो नहीं पता आपको, मैं अगर बोल दूँ ना आपको किसी दिन, कि जो सबमरीन गेट होती है ना, सबमरीन गेट होती है ना जो हम बनाते हैं, उसकी मुझे EDM डिटेल दे दो, बना लोगे नहीं बना लोगे। अपना सर जो है ना, जो आपको सर सिखाते हैं, उसको भी पूछ लेना, नहीं आते हैं, पक्का बता रहा हूँ मैं कैसे बनाते हैं वो सारा चीजें। देखो कुछ किसी को कुछ कहना नहीं है, तो आपको समझना है, आपको आपका जो सीखना है ना, किसी का कॉम्पिटिटिव नहीं सीखना है, आपको आपके लिए सीखना है, आपको अपने लिए सीखना पड़ेगा, कि कल आप कहीं पे भी जाओगे वो चीज आप बेहतर कर सकते हो, किसी और से आप बेहतर कर सकते। कल आप इंटरव्यू में जाओगे ना, आपके साथ 5 से लोग होंगे, तो आपको क्या करना है, 5 से लोग को कॉम्पीट करना है, और जो 5 से लोग जो आपके इंटरव्यू में साथ आएंगे ना, वो 100 लोग को कॉम्पीट करके आया है, आपको भी उसी लेवल में बनना है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना, कल आप जो भी टूल बनाओगे ना, ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये डिजाइनर को दे दो, ये टूल ये सही बनाता है, ये गलती नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत कुछ सारा चीजें है, आपको सोच समझ के बनाना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशन है, अभी ऑफर भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से हर एक लिप्टर को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम इसकी कोर केविटी बनाएंगे। तो ये पहले आपको करना बहुत जरूरी है, ये मेरा फाइनल हो गया लिप्टर, हम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा फाइनल हो गया। अब इसकी हम फिटमेंट देखेंगे, मैं फिटमेंट कैसे लगाऊंगा, किस तरीके से लाऊंगा, ठीक है। जो मेरा क्लासेस चलता है, मैं 3 केस कराता हूँ लिप्टर में, 3 केस अलग अलग, 3 केस, कहीं ज्वाइंट लिप्टर कराते हो, कोई डायरेक्ट लिप्टर कराता हो, कभी डबल लिप्टर भी कराता हूँ। तो इसमें जो कॉन्टेंट होती है अलग होते हैं, और आपको तो अभी जो मैं कोर के साथ लिप्टर चलाया हूँ, मैं जो क्लासेस होती है वो केवीटी में लिप्टर भी सिखाता हूँ, केवीटी में लिप्टर चलता है। 100 में से 90 लोग को, 90 लोग को नहीं आता है कि बीच में लिप्टर चलाना, तो वो भी सिखाता हूँ मैं जो लिप्टर के केस में, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आ गया। जिसको भी कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो भी क्लास वगैरह रहना है, मेरा नंबर मेंशन है, वहां पर जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तब तक ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।